सो गाइस फाइनली क्रेटा 2022 के तो फेसलिफ्ट वाले वर्जन है उसके भी हुंडई ने ऑफिशियली फोटो और वीडियो लॉन्च कर दिए हैं। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि हुंडई ने इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस करे हैं और देखते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर से हुंडई ने अपनी नई क्रेटा में क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में इसमें हमें पूरा ही एक नया लुक देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें हेडलैम्प्स और ग्रिल का काफ़ी मस्त सा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और साथ ही में इसमें हेडलैम्प्स और ग्रिल की भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। और वहीं फॉग लैम्प्स की बात करें तो फॉग लैम्प्स का भी साइज़ इसमें हुंडई ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और आगे से दिखने में क्रेटा का पूरा ही नया लुक सामने आ रहा है और काफ़ी बोल्ड क्रेटा सामने से दिख रही है। और अब रियल लुक की बात करें तो पीछे से कुछ इतना मेजर चेंजेस क्रेटा में दिखा नहीं है, ये लगभग पुरानी वाली क्रेटा जैसी ही दिख रही है। लेकिन जो पुरानी वाली क्रेटा में हमें हुंडई के लोगों के पास जो स्टॉप लैम्प देखने को मिलता था वो यहाँ से हुंडई ने रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो टेल लैम्प्स की साइज़ है वो हल्की सी बूट पर भी हुंडई ने दे दी है। बाकी तो रियर से कुछ भी इतना मेजर चेंजेस हुंडई ने नहीं किया है, इसका शेप हुंडई ने अपनी पुरानी वाली क्रेटा जैसा ही रखा है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो हुंडई अपनी जो पुरानी वाली क्रेटा में स्टॉप लैम्प देती थी उसे वही रखना था और यहाँ पे जो एडिशनल से अलग से यहाँ पर बोर्ड पर लाइट दी है और वो जो स्टॉप लैम्प मिलता है वो पूरा एक जैसी फ्लोटिंग लाइन में बन जाता तो रियर से भी इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता। चलिए अब साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड प्रोफाइल में इसका लुक ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ है, सारी जगह हमें इसमें शार्प कट थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके टायर्स की बात करें तो इसमें हमें पुरानी वाली क्रेटा वाले ही सेम एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंटीरियर में से हुंडई ने अपनी क्रेटा फेसलिफ्ट में क्या क्या चेंजेस करे हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की हुंडई क्रेटा से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्रेटा से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट्स जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब क्रेटा 2022 का इंटीरियर चेक करते हैं। तो चलिए अब इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में हुंडई ने इसमें कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम और एसी की जो यूनिट है वहाँ पर अब हुंडई ने पियानो ब्लैक फिनिश में एसी और म्यूजिक सिस्टम की यूनिट देने लग गई है। और इंटीरियर की बात करें तो अब इंटीरियर में हमें कुछ भी ड्यूल टोन वाला थीम देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ इसमें सिंगल टोन वाली ब्लैक कलर की इंटीरियर थीम हमें देखने को मिल रही है। और वहीं अब इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसमें जो हमें पुरानी वाली क्रेटा का जो EX और S मॉडल में म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता था वही अब इसमें भी म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल रहा है। खैर वो मॉडल टू मॉडल शायद डिपेंड करेगा कि हम टॉप मॉडल लेंगे तो उसमें हमें शायद 10 इंच की भी म्यूजिक सिस्टम वाली यूनिट देखने को मिल जाएगी। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें हुंडई ने काफ़ी मेजर चेंज करा है कि इसमें जो हमें अल्कज़र वाला पूरा ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हुंडई ने इस बार क्रेटा में प्रोवाइड करा है। पुरानी वाली क्रेटा में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें नहीं देखने को मिलता था और कुछ ऐसा है क्रेटा 2022 का फ्रंट से इंटीरियर लुक। और रियर इंटीरियर साइड से बात करें तो रियर में भी कुछ हमें इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है जो कि पुरानी वाली क्रेटा के बराबर ही है। और इसमें बूट की बात करें तो इसमें हमें बूट भी सेम ही साइज़ का देखने को मिल रहा है जो कि है 433 लीटर का बूट स्पेस। हुंडई ने अपनी नई वाली क्रेटा में रियर में भी मिडल वाला हेडरेस्ट दिया है तो इससे हमें ये सोच सकते हैं कि शायद हुंडई ने अपनी नई वाली क्रेटा की थोड़ी चौड़ाई बढ़ाई होगी। और बाकी चीज़ें तो हमें सेम ही पुरानी वाली क्रेटा जैसी ही मिल जाती है, सिर्फ इसमें थोड़े बहुत ही कुछ चेंजेस करे हैं। हुंडई ने अभी इसकी ऑफिशियली कुछ भी लॉन्च अनाउंस नहीं करी है, लेकिन हुंडई इसे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च करेगी उसके बाद इसे इंडिया में भी लाएगी।
तो कैसी लगी आप लोगों को नई ह्युंडई क्रेटा 2022 वाला फेसलिफ्ट वर्जन, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फेसलिफ्ट अच्छा लगा या फिर पुरानी जो 2020 में क्रेटा का वर्जन आया था वही अच्छा था। तो यार यही था वीडियो, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये क्रेटा के फेसलिफ्ट से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो यार वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।